अब आपको सीधा ये चलते हैं, सुनवाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जहां प्रदेश में उन्होंने संभाला, वहीं राष्ट्र स्तर पर बड़े बादल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वे प्रधानमंत्री थे, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका सिंधिया परिवार के साथ बहुत पुराने संबंध, जो ढाढ़स उन्होंने मुझे दिया, जो साथ में आकर मेरे साथ खड़े रहे, वो क्षण मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और यही बात का प्रतीक है मेरे भाइयों बहनों कि राजनीति सोच अलग हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अंत में आपसी सम्मान और रिश्ते के ऊपर कोई और बात इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। आज मैं दोनों का कृतज्ञ हूं, और जहां तक मेरे पूज्य पिताजी की बात, उनके जीवन का लक्ष्य, उनकी विचारधारा, उनकी सोच सदैव साधारण और स्पष्ट थी। वे कभी कभी मुझे कहते थे, और उस समय में मुझे समझ नहीं आता था, वे सदैव कहते थे मुझे कि यह याद रखना कि जीवन में राजनीति कभी भी हमारा मकसद नहीं होनी चाहिए, राजनीति हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, जन सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और आज जब उन्हें मैं याद रखता हूं, उनके चार असूल, उनके चार सिद्धांत में याद रखता हूं, पहली बात कि उन्हें जीवन में कोई भी जो जिम्मेदारी दी जाती वे 100% के साथ नहीं लेकिन 200% के साथ निभाते। जब रेल मंत्री थे तो रेल विभाग का ऑन टाइम परफॉर्मेंस, रेल विभाग का कंप्यूटरीकरण, आज जो टिकट समय मिलते हैं वो कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम की शुरुआत उन्होंने की, शताब्दी ट्रेन की शुरुआत उन्होंने की। तो ये सीधी तस्वीरें मैनपुरी से इस वक्त आप देख रहे हैं।